नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दस्तक। मुसलमानों को इस देश में हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, आज भी वोट लिया जाता है, उनकी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन अब नए युवा जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, अपनी पार्टी बना रहे हैं और तमाम मुद्दे पर जिस पर लोग बात करने से हिचकते हैं उस पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक शख्स हैं, मैं उनसे परिचय भी करवाऊंगा। मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा था, उन्होंने शानदार जवाब दिए हैं। और जिस दिन SC ST OBC माइनॉरिटी में ऐसे युवा आ जाएंगे, यकीन मानिए भारत की राजनीति भी बदलेगी और भारत मजबूत होगा। पहले इनकी पार्टी का नाम दिखा रहा हूँ, दिखाइए। टीपू सुल्तान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, हटिए ना सर, देखिए शेर और टीपू सुल्तान में जंग हो रहा है, जो अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। टीपू सुल्तान पार्टी दिल्ली, तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अकेले तो उनके पिताजी लड़ रहे थे, टीपू सुल्तान लड़ रहे थे, उनकी पार्टी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रोफेसर शेख सादिक, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। बस इस बिल के विरोध में हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। किस बिल के विरोध? CA बिल जो है, CA बिल ये एक धर्म के नाम पे बिल बन रहा है, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इससे क्या नुकसान होगा किसी को? इससे नुकसान ये होगा कि आज जो है ये CA बिल पास कर रहे हैं, इसके बाद जो है NRC लागू करेंगे। NRC जब लागू होगा तो एक नॉर्मल मुसलमान, एक काम करने वाला, मजदूरी करने वाला मुसलमान, आप बताइए कि 1951 से पहले का डॉक्यूमेंट कहाँ से लाके देंगे? वो तो कोई SC ST OBC के पास भी नहीं है, मेरे पास किसी के पास भी नहीं मिलेगा ना। तो इसमें क्लियर तो है ना, जो इस देश में जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण है, उनके पास है, वही रहेंगे। तो वही बात हो रही है ना इसमें जो है। तो आप लोग, सरकार ने बिल पास कर दिया, क्या कर लीजिएगा आप लोग? इसके बाद हम जो है, हम CA बिल के विरोध में इसलिए है। चलिए, NRC तो समझ में आता है, NRC में तो SC ST OBC सब बाहर हो जाएगा। CA बिल से आपको क्या आपत्ति है? जो CA बिल जो है एक असंवैधानिक बिल है। संविधान आर्टिकल 14 में क्लियर लिखा है कि कोई भी धर्म के नाम पे बिल नहीं बन सकता, तो ये जो है धर्म के नाम पे बिल बना। वो बाहर से अपने भाइयों को लाना चाहते हैं ना, हम भी यही चाहते हैं ना, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से मेरे हिंदू भाई आए जो वहाँ परेशान है, मगर मेरे भाई हिंदू भाई श्रीलंका में भी परेशान है, तो उनको क्यों नहीं लाने की बात कर रहे हैं? मेरे मुसलमान भाई चाइना में भी परेशान है, वो भी वहाँ माइनॉरिटी में, उनको क्यों नहीं लाने की बात कर रहे हैं? तो खुद ही 150 करोड़ आबादी है, यहाँ के लोगों को तो प्याज 200 रुपए मिल रहा है, ये बाहर के लोग आएंगे तो कैसे क्या होगा बताइए? कुछ होगा, लाएगा क्या? राजनीति क्या लग रही है प्रोफेसर साहब? राजनीति जो है इसमें सिर्फ वोटिंग की राजनीति हो रही है। आप देखिए, जो मेरे हिंदू भाई आएंगे, इन्होंने नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। अगर BJP ऐलान कर दे कि जिनको नागरिकता दिया जा रहा है उनको 30 साल तक वोटिंग पावर नहीं देंगे, ये करेंगे अमित शाह। कितने लोग विदेश से आ सकते हैं भारत में? 3 से 4 करोड़ लोग आएंगे। बस बताइए, 3 से 4 करोड़ लोगों के लिए 25 करोड़ मुसलमानों को। अच्छा, ये पहले CAB बिल ला रहे हैं। अच्छा, NRC से मुझे CAB से कोई नुकसान नहीं दिख रहा है? भारत के भी 4-5 करोड़ लोग दुनिया भर के देशों में रहते हैं। CA बिल से नुकसान सिर्फ इतना है क्योंकि ये धार्मिक नाम पे बन रहा है। अच्छा, NRC का मुझे NRC में इंटरेस्ट है, NRC से क्या नुकसान होगा वो बताइए। NRC में जो है सिर्फ जो है डॉक्यूमेंट पेश मुसलमान नहीं कर सकता। आप देखो कि मुसलमान जो है आजादी से पहले यहाँ रह रहे हैं। अरे मुसलमानों के पास है भाई, मुसलमानों के पास डॉक्यूमेंट है, जमीन है, आपको अंदाजा है? SC ST OBC के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे जैसे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। NRC अगर लागू करेंगे तो सिर्फ मुसलमान पे अगर करेंगे तो क्या करेंगे आप? अगर वो बोले सब हिंदू भाई जो है वो सब सिटीजनशिप मिल गए, खाली मुसलमान को प्रूव करना पड़ेगा, बोले तो क्या करने वाले आप? तो आप क्या लगता है, ऐसा कर दिया सरकार तो क्या करेंगे? कैसा? अगर NRC सिर्फ मुसलमानों के लिए कर दिया तो ये गलत है और इससे देश है ना बहुत बस्ती गिरावट की तरफ जाएगा। देखिए, मेरा इस पर ध्यान ही नहीं गया था, ये सरकार कुछ भी कर सकती है, अगर NRC सिर्फ मुसलमानों के लिए कर दिया जाए वही करने वाले हो, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। NRC अभी आप देखिए ना आसाम में, आप लोग क्या करेंगे? आसाम में तो सबसे ज्यादा SC ST OBC है भाई, 10 लाख में 3 लाख मुसलमान है, 7 लाख हिंदू है NRC की चपेट में। आसाम में जो है हर बार बाढ़ आती है, हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई, उनके डॉक्यूमेंट तो बाढ़ में चले गए, तो कहाँ से प्रूफ कर पाएंगे? तो रहने दीजिए, मोदी अमित शाह को राज करने दीजिए। हम जो है इस बिल का, NRC का भी विरोध करेंगे, CA बिल का भी विरोध करेंगे, और जब जब ये कैंप लगाएंगे डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, हम डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने वाले। और मैं सबको बोल रहा हूँ, मेरे मुसलमान भाइयों को,
चाहे जो भी सेकुलर है रास्ते पे उतरो और इस बिल का विरोध करो। डर नहीं लग रहा है, जेल में डाल देंगे? डालन दो जेल में, नहीं मैं तो बोल रहा हूँ गोली मार दो मुझे और खत्म कर दो, दम दम से मार। कहां से लाते हैं इतना हिम्मत? शादी भी नहीं हुआ, अभी बच्चे नहीं है। शादी हुआ है मगर जी घुट घुट के जीने से अच्छा है एकदम मार दो हमको। देखिए इस देश में ऐसे युवाओं की जरूरत है, खासकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में। अगर आप घरों से नहीं निकलेंगे तो आपकी जमीन ही नहीं, आपके किडनी लीवर ये लोग बेचने वाले हैं। शुक्रिया दोस्त हमसे बात करने के लिए। नारा लगाना है, लगा लीजिए जल्दी से, पता नहीं आखिरी नारा हो। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अमित शाह मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, टीपू सुल्तान पार्टी जिंदाबाद। देखिए बहुत हिम्मत वाले लोग, शुक्रिया दोस्त हमसे बात करने के लिए। रमु कुमार सिंह नेशनल दस्तक, ऐसे लोग की जरूरत है इस देश में। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।